नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार पर चुनाव में धांधली के आरोप, पाक अधिकृत कश्मीर में भड़का विद्रोह, नवाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लगे गो नवाज गो किनारे। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर अड़ी तमिलनाडु सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दिया रिव्यू पिटीशन, केंद्र सरकार ने नहीं दी थी मंजूरी, 25 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं सभी आरोपी। ले अरुणाचल के बाद अब उत्तराखंड की सीमा पर भी चीन की घुसपैठी, सीएम हरीश रावत ने केंद्र को दी सूचना, ले में ISI की मदद से चीन ने कई बार की है घुसपैठ। आप सांसद भगवंत मान को सख्त सजा देने के पक्ष में है सांसद की समिति, सिर्फ तृणमूल का रुख नरम, कहा मान का इरादा संदिग्ध नहीं बल्कि अपरिपक्वतापूर्ण। और बीजेपी नेता साजिया इल्मी का दावा, केजरीवाल और आप है महिला विरोधी, महिलाओं के शोषण और मारपीट का लगाया आरोप, आप में रह चुकी है बीजेपी नेता इल्मी। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की साख को बड़ी चुनौती मिली है। पड़ोसी मुल्क के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में लोग सड़क पर उतर आए हैं और कई जगह आगजनी भी की गई है। गौरतलब है कि 21 जुलाई को संपन्न हुए चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 41 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। चुनावी प्रक्रिया और नतीजों के विरोध में मुजफ्फरबाद, कोटली, चुनारी और मीरपुर में लोग भारी संख्या में सड़क पर निकल गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें चुनाव में वोट देने नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने ISI और दूसरी एजेंसियों पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन की घुसपैठ की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस खबर की पुष्टि की है। रावत का कहना है कि उत्तराखंड की सीमा पर चीन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जानकारी दे दी है, साथ ही भारतीय सेना को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्व में भारत से लगी सीमा पर भी चीन की ओर से घुसपैठ की खबरें आती रही है। इसके अलावा ले पर भारत से लगी सीमा पर चीन की सेना कई बार घुसपैठ को अंजाम दे चुकी है। हाल ही में ले इलाके में चीन की ओर से आ रहे जासूसी भरे फोन कॉल्स में ISI की मिलीभगत भी सामने आई थी। सीमावर्ती इलाकों में चीनी जासूसों ने भारतीय सेना के मूवमेंट और उसकी पोजीशन की जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को फोन किए थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने कोर्ट से उस फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी मामले की जांच केंद्र की एजेंसी करे तो सजा पाने वालों की रिहाई केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के साथ हत्यारों को रिहा करना चाहती है। केंद्र ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पिछले साल दिसंबर में इसी अपील पर कोर्ट द्वारा केंद्र की मंजूरी के बिना रिहाई न करने का फैसला आया था। अदालत के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को मंजूरी के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन केंद्र ने रिहाई से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार की दलील है कि सभी दोषी 25 साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं। संसद की 9 सदस्यीय जांच कमेटी के ज्यादातर सदस्य आप सांसद भगवंत मान को सख्त सजा देने के पक्ष में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को मान मामले को लेकर नरम रुख अख्तियार करने की हिदायत दी है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की डॉक्टर रत्ना डे से ये विचार जताने को कहा है कि मान का इरादा संदिग्ध नहीं बल्कि अपरिपक्वतापूर्ण था। पार्टी के अनुसार मान इस मामले में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से लिखित में माफी मांग चुके हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2001 में लश्कर के सांसद पर हमले के बाद संसद की सुरक्षा को नए उपकरणों और तकनीक के जरिए चाक चौबंद किया गया था। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और बीजेपी की मौजूदा नेता साजिया इल्मी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। साजिया ने कहा है कि जब वो गाजियाबाद से आपके टिकट पर चुनाव लड़ रही थी तो आपके नेता महिलाओं से खूब बदतमीजी करते थे, शोषण के साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट तक की जाती थी। साजिया ने कहा कि एक बार तो पार्टी के संयोजक ने एक महिला को थप्पड़ मार दिया था और इसकी शिकायत जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से की तो उन्होंने कुछ नहीं किया।
महिलाओं की बात आप में हमेशा से दबाई जाती रही है। शाजिया इल्मी दिल्ली सचिवालय पर पहुंची और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान उन्होंने ये खुलासे किए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस की तस्करी के शक में दो मुस्लिम महिलाओं की सरेआम पिटाई के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीएसपी के जरिए मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में कहा कि किसी भी राज्य में हिंसा निंदनीय है और हम इसे जायज नहीं ठहरा रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में का नारा देती है, लेकिन बीजेपी के राज्य में ही महिलाएं बीफ की अफवाह पर प्रताड़ित की जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गो रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसे बहाना बनाकर दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और विधायक पर मुसीबतों की छापेमारी हुई है। बुधवार सुबह छतरपुर से विधायक करतार सिंह तनवर के घर, दफ्तर और फार्म हाउस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दिल्ली में 11 जगहों पर आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन कर रही है। करतार सिंह तनवर की 20 कंपनियां हैं जो जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग को शिकायत मिली थी कि सरकारी नौकरी से वीआरएस लेने के बाद करतार सिंह तनवर ने प्रॉपर्टी के काम में करोड़ों रुपए कमाए हैं। छापेमारी की खबर सुनते ही कई आप कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने छापेमारी को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा आईबी, सीबीआई, ईडी सबे को लगाया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सबको अलग से भर्ती कर ले इस काम के लिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा है। उनके विभाग के विशेष आयुक्त इंदु शेखर मिश्रा ने एलजी नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर जैन पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। यही नहीं, इसके साथ ही वह छुट्टी पर भी चले गए हैं। स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात इंद्रशेखर मिश्र 1993 बैच के दानिश अधिकारी है। उनका आरोप है कि मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार 25 जुलाई को उनके साथ बदसलूकी की है। मिश्रा ने एलजी को भेजी शिकायत में कहा कि मंत्री जैन ने शाम 4:30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई, जिसमें वे उपस्थित नहीं हो सके और फिर मीटिंग को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.